बात करते करते भावुक हुए हैं मनिंदरजीत सिंह बिट्टा साहब। एक अगर इनको हम लोग जितना जानते हैं, मैं चाहता हूं कि ये चीज कंटिन्यू रहे और बातचीत कंटिन्यू करें। कोयला वाली गली में बदमाशों की गोली का शिकार हुए युवा सर्राफा व्यवसायी विकास अग्रवाल और मेघ अग्रवाल के परिजनों से मिलने आए एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन मनिंदरजीत सिंह बिट्टा नियो न्यूज ऑफिस भी आए। यहां बातचीत के दौरान युवा व्यवसायियों की मौत पर जहां उनकी आंखें झलक उठी, वहीं पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए बदमाशों पर उनका गुस्सा भी फूटा। बिट्टा ने कहा कि सरकार पर उन्हें पूरा भरोसा है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सख्ती बरतनी होगी। मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं बात कर रहा हूं ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन मनिंदरजीत सिंह बिट्टा साहब से। सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम, आप हमारे इस समय स्टूडियो में हैं, हमारे इनविटेशन को आपने एक्सेप्ट किया। एक बहुत संजीदा मसला बिट्टा साहब, और आप जब मैं इनके संग बात कर रहा हूं और जब मैं इनका परिचय, जो परिचय की ये मोहताज नहीं है, आप सभी लगभग जानते हैं, ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट जो एक ऐसी संस्था के चेयरमैन, और इस घटना पे उनका आना, तो मैं इसे कोरिलेट करना चाह रहा हूं और संभवतः मैं अभी ये क्वेश्चन भी इनसे करूंगा कि शायद ये एक आतंकवाद ही था, ये एक सामान्य घटना नहीं थी, ये सिर्फ लूट या दो युवा चेहरों की जान जाना ही नहीं था, ये एक आतंकवाद था जो हमारे समाज में कहीं फैलता हुआ नजर आ रहा है, और शायद तभी इस घटना ने झकझोरा बिट्टा साहब को और वो यहां मथुरा आए। अभी इस घटना में दुखद तौर पर जिनकी मौत हुई, मेघ अग्रवाल और विकास अग्रवाल, उनके परिजनों से मिले। तो बिट्टा साहब, आप दूर बैठ करके जब आपको ये सब पता चला तो आपका भी दिल दुखा और आपने यहाँ आने का फैसला कर लिया? मैं दूर, घटना का मुझे पता नहीं चला, घटनाएं हिंदुस्तान के अंदर बहुत होती हैं, पर जब टेलीविजन के अंदर जिस बहरहमी से कत्लेआम होते हुए देखा, दो बहनों के सुहाग उजड़ते हुए देखा, आज उनके छोटे छोटे बच्चों को देखा, और जब टीवी के अंदर देखा मैंने, तो मैं कसम से कहता हूं, भगवान की कसम, मथुरा की धरती पे आया हूं, मैं कम से कम दो दो बार रोया हूं। बात करते करते भावुक हुए हैं मनिंदरजीत सिंह बिट्टा साहब। एक अगर इनको हम लोग जितना जानते हैं, मैं चाहता हूं कि ये चीज कंटिन्यू रहे और बातचीत कंटिन्यू करें। नहीं है, मैं अपने शरीर पे बहुत बम खाए पे कभी रोया नहीं, मैं जवानों की शहादत पे जाता हूं, पता है जवानों ने कुर्बानी देनी है, उनका एक कर्तव्य पूरा करते हैं, पर आज मैं उनके बच्चों को देख करके, छोटी छोटी बच्चियों को देख करके मेरी आंखों में आंसू आ गए, और उस बहन को देख करके जो रोज सुबह उठ करके वृंदावन मंदिर में भगवान के चरणों में जाती थी, उन बच्चों का क्या कसूर था, उस पत्नी का क्या कसूर था, उनके पति का क्या कसूर था। इस घटना को मैं आतंकवाद से खतरनाक घटना जोड़ता हूं। कोई व्यक्ति अपने कारोबार में है, अपने बच्चों के लिए रोटी का प्रबंध करता है, सुबह उठ के मेहनत करता है, रात को बच्चे उसका इंतजार करते हैं, उसकी पत्नी उसकी इंतजार करती है, और उसके घर में उन्हीं बच्चों के पत्नी के सामने जब बॉडियां आती हैं, तो उसका घर का हाल क्या होगा। और सबसे देखने वाली बात है, भी अभी अग्रवाल साहब की दो बेटियां हंस रही, उनको पता नहीं, दूसरे अग्रवाल साहब का बेटा अभी भी कहता है पापा मेरे आने वाले हैं। मैं समझता हूं जिस इंसान के अंदर थोड़ा सा भी तर्स होगा, वो आंखों में आंसू जरूर आएंगे, नहीं तो आमतौर पे हम पॉलिटिशियन, हम बड़े बहराम लोग होते हैं, हम रोज इन चीजों को देखते हैं, हम पत्थर हो जाते हैं, हम फोटो पॉलिटिक्स, मीडिया पॉलिटिक्स तक सीमित रहते हैं,
हमें किसी दर्द और पीड़ा का एहसास बड़ा कम होता है, क्योंकि जो टेलीविजन के अंदर मैंने देखा, एक आदमी बैठा हुआ है, अपना व्यापार कर रहा है, और पांच चार गुंडे आते हैं, आके थार थार करके ठोक के चले जाते हैं और डेड बॉडी को भी पैरों से मारते हैं। तो फिर कानून क्या, कानून बड़ा है या हमें इंसानियत को बचाना जरूरी है? आज उनको मारा है, कल को इनका इनकाउंटर नहीं होता, फिर दूसरे व्यापारी को पकड़ लेंगे, फिर कपड़े का व्यापारी को पकड़ लेंगे, बड़े कोठियां बनी हुई उनमें घुस जाएंगे, उनको मार देंगे। तो कोई बात नहीं, हम जेल में चले जाते हैं, हम मारे जाते हैं, धरे इनको मारना चाहिए। लेकिन बेटा साहब, ये आप ही तो कह रहे हैं, इसके बाद अगर आप मान लीजिए कभी भी एनकाउंटर्स, पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, तो तमाम तरीके के लोग खड़े हो जाते हैं, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी हो जाती हैं। हमारी जिंदगी इसी में गुजर गई, ह्यूमन राइट, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां, आज बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां विधानसभा में शोर मचा रही हैं। वाराणसी में घटना हुई, मथुरा में घटना हुई, और कहां कहां की घटना का खुलासा कर रहे हैं। सकते हैं कि जहां एक तरफ उबलते हुए धधकते हुए मनिंदर जीत सिंह बिट्टा आपको नजर आ रहे हैं, आमतौर पर इनका इसी प्रकार का एक व्यक्तित्व है, बेबाक रहना, साफ कहना, जहां कहीं पर भी मन में जो चल रहा है उसे व्यक्त कर देना। लेकिन जब इंटरव्यू की शुरुआत हुई थी तो आपने देखा होगा कि बिट्टा साहब की आंखें छलक उठी, और ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि अभी हमसे बातचीत करने जब ये हमारे स्टूडियो पर डाइविल नगर नियो न्यूज पर आए हैं, इससे ठीक पहले ये सिविल लाइन पर विकास अग्रवाल के यहाँ गए, डैम्पियर नगर पर मेघ अग्रवाल के यहाँ गए। अब मैं उन दोनों के नामों से उनके घरों की बात कर रहा हूँ, लेकिन जबकि वो इस दुनिया में नहीं है, उनके परिजनों से ये मिल करके आए, उनके बच्चों से ये मिल करके आए, तो उस वजह से वहां से जो कुछ भी चल रहा था वो छलक रहा था इनकी आंखों से। और इसके ठीक बाद अब आप देखिए, मारो, इन्हें मारो, कहना साफ है, बहुत साफ बोलते हैं। एक संवेदनशील घटना, एक बेहद दर्दनाक घटना, उस पर आज ये मथुरा में है। इस घटना से जुड़े जो हमारे सवाल हो सकते थे उस पर सारी बातें सामने आई हैं। कुछ जब आज बिट्टा साहब हमारे बीच में हैं तो कुछ ऐसे अभी भी ऐसे इश्यूज हैं जिन पर मैं सवाल करना चाहता हूं। कुलभूषण जाधव को लेकर के एक बेहद संतोषजनक बात सामने आई, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उनको रिलीफ मिला है, रोक लगाई गई है, लेकिन उस सब के बावजूद अपना हमेशा से अड़ियल रुख रखने वाला पाकिस्तान कहता है कि हम इस फैसले को नहीं मानेंगे। दोनों तरफ से मिलाकर के क्या कमेंट है? देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान एक धोखेबाज मुल्क है, रहा है, रहेगा और था, इसमें कोई शक नहीं। सरबजीत सिंह का कत्लेआम उसने किया, फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचा तो उसकी जेल के अंदर ही उसको मार दिया। जिम्मेदारी तो पाकिस्तान की सरकार की है। अब जहां तक कुलभूषण यादव जी का सवाल है, वो तो किसी और कंट्री से पकड़ के लेके आके हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम करने की कोशिश की गई। हिंदुस्तान के अंदर कसाब को फांसी हुई, हिंदुस्तान के अंदर मेमन को फांसी हुई, हिंदुस्तान के अंदर अफजल को फांसी हुई। ट्रायल चला, केस चले कई कई साल, मेडल हमने परिवारों के साथ लुटाए, फांसी दो फांसी दो, पर कानून को पहले रखा। मेनन में केस के अंदर 2 बजे रात को कोर्ट को खुलवाया गया, एक आतंकवादी के लिए कपिल सिब्बल जैसे वकील खड़े हुए। हिंदुस्तान के अंदर लॉ है, कानून है, पर पाकिस्तान के अंदर कोई कानून नहीं है। हिंदुस्तान के लोग जो फोटो पॉलिटिक्स करते हैं, जो मीडिया में टेलीविजन के अंदर अपनी फोटो दिखाने की कोशिश करते हैं, पटाखे चलाते हैं, मुंह में एक दूसरे के लड्डू चलाते हैं, कैंडल लाइट जगाते हैं, उन बेरहम बेतरस लोगों को कहना चाहूंगा कि अपनी फोटो खिंचाते खिंचाते मीडिया में आते आते पटाखे चलाते चलाते उस बेचारे का कहीं नुकसान मत कर देना। हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी समस्या है, बॉडी घर में आई नहीं, अगले के घर में क्या हालत है, वो आदमी बच गया, बचेगा या नहीं बचेगा, टीवी में आने के लिए फोटो दिखाने के लिए फोटो पॉलिटिक्स करते हैं। और हमारे मीडिया का भी बड़ा सिलसिला यह खराब है कि एकदम ऐसी चीजें दिखाता है, उसका पाकिस्तान में क्या प्रभाव पड़ेगा, वो कितनी खुंदक खाएगा, वो सरबजीत सिंह की तरह किसी से नुकसान करा देगा, फलाने ने उसको मार दिया तो फिर क्या, फिर लड्डू फेंकेंगे क्या, क्या फिर पटाखे चलाएंगे क्या? इस दौर से आप काफी नाराज से नजर आते हैं। नाराज नहीं, नाराज की बात नहीं करता। हमारे हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी समस्या मीडिया पॉलिटिक्स, फोटो पॉलिटिक्स, कैंडल लाइट जगाओ,
15 आदमी इकट्ठे हो जाएंगे, कुलभूषण की फोटो लेके घूमेंगे। नहीं, पाकिस्तान को ये बताना चाहते हैं कि कुलभूषण के साथ सिर्फ 15 लोग थे, उनकी तो फोटो आ गई और पाकिस्तान को बता दिया इसके साथ तो 15 लोग हैं। व्हाई? बिल्कुल माना, मतलब आप चाहते हैं कि भाई रियलिस्टिक ग्राउंड पे काम करो, ये फोटो पॉलिटिक्स बंद करो, लेकिन इस दौर से आप नाराज हैं। कुलभूषण जाधव को लेकर के पाकिस्तान अगर अड़ियल रुख अपनाता है तो स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? हमें हिंदुस्तान की सरकार के ऊपर, देखो मैं एक चीज स्पष्ट कह दूं, मैं ना किसी पार्टी का हूं ना मैं किसी, मैं पुराना कांग्रेसी हूं। मैं सरकार के रुख के ऊपर मैं एक मिनट का शक नहीं कर सकता हूं कि वो कुलभूषण के मामले में सिंसियर नहीं है। मैं बड़े सालों से संघर्ष में था कि आतंकवाद के लड़ाई के ऊपर कहीं ना कहीं मुझे सफलता मिलती नजर आ रही है, मुझे तो सफलता चाहिए, पर सरकार को कश्मीर के अंदर और सख्त स्टेप उठाने चाहिए और पार्लियामेंट के अंदर शहीदों का मान सम्मान सबसे बड़ा होगा, 370 धारा का मुद्दा हटाना लाना चाहिए कि 370 धारा हटा करके वहां हर व्यक्ति आजादी से रह सके, चाहे यूपी का हो चाहे पंजाब का हो, यह जरूर होना चाहिए। चलिए बेटा साहब, एक बेहद ऐसा अफसोसजनक हादसा और उसके बाद आज आपका दौरा, हमने आपसे इस पूरी घटना के बारे में आपकी राय जानी, प्रतिक्रिया जानी, कुछ और भी सवाल हमारे आपसे हुए, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जिस तरीके का लक्ष्य लेकर के आप हमेशा अभी तक चल रहे हैं, चाहे वो वॉर विडोज हों चाहे आतंकवाद के अगेंस्ट आपके स्टेप्स हों, उन सब पे आपकी संवेदनशीलता हमेशा सामने आती है, लेकिन इतना जरूर है कि ऊपर से बेहद कठोर लेकिन अंदर बहुत सारी संवेदनाएं आप समेटे हुए हैं। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।